हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं, जिसके लिए लगातार मुझसे क्वेरीज की गई थी बाय ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स। मुझसे लगातार पूछा जा रहा था कि मैम आखिर आपने अपने मेंस के लिए, अपने बीपीएससी मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुना। तो इस वजह से आज के इस लेक्चर का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन बीपीएससी और एनी अदर यूपीएससी एग्जाम। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है, इसे डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूर आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है ये आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग या बहुत कम स्कोरिंग या बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत कम अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमेशा याद रखें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके खुद के मेरिट और आपके खुद के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए जो नए हमारे कैंडिडेट्स हैं या जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके बीच में फैलाएं, ताकि जो मेरी ये सर्विसेज हैं, जो मेरी ये फ्री की एफ़र्ट्स हैं आप लोगों के लिए, आपके आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच पाएँ। साथ ही मैं नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे अपडेट्स के साथ आप जुड़े रह सकें। और हमेशा याद रखें कि आज आप एस्पिरेंट हैं लेकिन कल आप ऑफिसर बनेंगे, तो इसीलिए लगातार पढ़ें और अपनी कोशिश जारी रखें। साथ ही में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे aspirants_today पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप swapnil_aspirants_today पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ मेल करना चाहें या कुछ क्वेरी जानना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर से संबंधित जो PDF फाइल है और साथ में जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये लेक्चर मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आखिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है कैंडिडेट के लिए। तो जब हम बात करते हैं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के तीन स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के। फर्स्ट है आपका प्रीलिम्स, सेकेंड है आपका मेंस और थर्ड है आपका इंटरव्यू। और जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है ये आप मेंस स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज के लिए करते हैं, जो कि 300 नंबर का होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि किसी सब्जेक्ट का अगर 300 मार्क्स है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर आपके उसमें बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं तो डेफिनेटली वो आपके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए और मेरिट लिस्ट रैंकिंग में आपके अबव आने के लिए, आपके फर्स्ट चॉइस, आपको फर्स्ट चॉइस जो होता है सर्विस का, वो आपको मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से लोग अक्सर कहते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत ही समझदारी से चुनना चाहिए, ठीक है। तो आखिर क्या क्या वो पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें अपने माइंड में रखना है व्हेन वी आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो एक स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। स्कोरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके, मतलब वो सारे लोग उसमें स्कोर कर पाते इसलिए वो अच्छा है। स्कोरिंग का मतलब होता है कि आपकी उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ, मेरी शुरू से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग काफ़ी अच्छी रही है, मैं ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छी नहीं रही। मुझे अगर आप बोलेंगे कि आप प्रीलिम्स निकालो और मेंस निकालो तो मैं ज़्यादा अपने आप को मेंस निकालने में कंफर्टेबल पाती हूँ, लेकिन प्रीलिम्स में शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो इसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आप अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कीजिए जिसमें आपके लिखने की जो कला है उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। इससे क्या होता है ना कि आपके उस लिखने की कला पे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप एनालिटिकल ज़्यादा हैं तो ऐसे सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मतलब जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हो, ना कि थ्योरी, जिसमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, जैसे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इस तरह के, तो वो आपके लिए स्कोरिंग होगा। तो याद रखिएगा स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट वो है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ काम आए। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो ही हम लें ताकि उसमें हमें ज़्यादा नंबर आए, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा था कि पॉपुलर, स्कोरिंग, ये सब जो शब्द होते हैं ना, ये हर इंसान के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। यानी कि अगर मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत स्कोरिंग और पॉपुलर है, चूँकि मैं उस सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि सारे लोग उसमें अच्छे हैं। कई बार ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसे कोई बच्चा ऑप्ट नहीं करता, कोई कैंडिडेट ऑप्ट नहीं करता, लेकिन चूँकि आप उसमें बहुत अच्छे हैं तो इस वजह से आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं और इसी तरह मेरिट लिस्ट रैंक में आप बहुत ऊपर चले जाते हैं कंपेयर टू योर अदर कैंडिडेट्स और कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। थर्ड पॉइंट है कि हमेशा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जी हाँ, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई ऑप्शनल चुने
ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने तो कोशिश करें कि उसमें उसे पढ़ने के लिए आपके अंदर से जी लानी चाहिए, उसके उसे पढ़ने के लिए, उसे जानने के लिए, उसका बुक उठाने के लिए आपके अंदर से किंतु होना चाहिए कि मैं इसे अच्छे से पढ़ूँ, इसे और अच्छे से समझूँ। जब तक आप में वो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, जब तक आप में वो एंथुसियाज्म पैदा नहीं होगा उस सब्जेक्ट के प्रति, आप बिल्कुल भी उसके साथ अपने आप को लिंक नहीं कर पाएंगे। आप सभी ने आई होप कि टीवी फैस प्रिंस देखी होगी, तो उसमें हमेशा पूछा जाता है, जैसा संदीप भैया ने भी सजेस्ट किया था कि जब आप ऑप्शन चुनते हैं तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड मान के चुने, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में आप एफर्ट डालें। तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ भी कहूँगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट और जिसमें आप एफर्ट डालें, जिसमें आप अलग से टाइम निकालें उसे पढ़ने का। फोर्थ पॉइंट है कि वो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए जिसके स्टडी मटेरियल्स या जिसके जो नोट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली अगर कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं और कोई आपने ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया जिसमें आपको तो इंटरेस्ट है लेकिन उसका स्टडी मटेरियल मतलब मार्केट में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आप उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे जितना आपका एक राइवल या आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कर पाएगा जिसने ऐसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करी है जिसमें मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल सोर्सेज हो पढ़ाई के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप ऑप्शनल चुन रहे हो। फिफ्थ पॉइंट होता है कि ऑप्शनल के लिए एक कोचिंग अवेलेबल हो। देखिए मैं अपना पर्सनल आपको पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ फिर से बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर आप सपोज उसके ग्रेजुएशन में आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, और बिल्कुल भी आप उससे कनेक्टेड नहीं है, तो शायद उस वक्त एक कोचिंग की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। लेकिन अगर सपोज़ आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ रखी है या सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कितना भी वो सब्जेक्ट मैं मैनेज कर सकता हूँ सिंगल हैंडेडली, सपोज़ लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उसमें आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश करें कि जब आप ऑप्शनल चुने ना तो उसमें दो पॉइंट्स को याद रखें। पहला कि क्या वो सब्जेक्ट से आप फेमिलियर हैं या नहीं है। अगर आप फेमिलियर हैं तो कोचिंग अवॉइड करें बिकॉज दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा दिन कि आप 4-5 घंटे कोचिंग सेंटर में बैठा मतलब को में किसी और का पर्सपेक्टिव में ढलने की कोशिश करें और उसकी बात सुनकर अपना खुद का दिमाग सेट करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप उस सब्जेक्ट से फेमिलियर नहीं हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, कोशिश कीजिएगा कि आप गाइडेंस लें। वो गाइडेंस या तो किसी कोचिंग सेंटर की हो सकती है या किसी ऑनलाइन रिसोर्स की हो सकती है। तो ये दोनों ही ऑप्शनल जो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हों। पांचवा और आखिरी छठा और आखिरी पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हो उसमें आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है कि नहीं। जी हाँ, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कोचिंग आप तभी लेते हैं जब आपका उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है तो जो भी आपने अपने बैचलर्स या मास्टर्स के दौरान पढ़ाई की है उसे ही अच्छे से पढ़ें, ताकि ये आपका टाइम भी बचाए, फालतू का जो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा एक अननोन सब्जेक्ट को पढ़ने का वो समय भी आपका बचा है, और साथ ही में जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको ज़्यादा बार बार पढ़ने से क्या होता है, वही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है और उसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स आप मेंस लेवल में स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दी है बीपीएससी में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अभी तक मैंने 34 ही दिया है, ऑल्दो यहाँ पे 37 होगा। मैं माफ़ी चाहूँगी कि इसमें से 3 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं दे पाई हूँ, बट टोटल 37 सब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है। जी हाँ, जो इंजीनियरिंग के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जैसा कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। साथ ही में अगर कोई मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। कोई यहाँ पे लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, मैथिलीस, हर तरह के सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा खुद का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो था सोशियोलॉजी। जी हाँ, सोशियोलॉजी से ही मैंने अपना मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और यही मेरा सब्जेक्ट यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी रहा और यही मैंने अपनी बीपीएससी के भी प्रिपरेशन में रखा है। ठीक है, और मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थी, ऑल्दो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी अपने मेंस एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी के पेपर में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर आप जब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं तो किस तरह से चुनते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे चुनते हैं। तो ये डिस्कस करने से पहले, जैसा मैंने यहाँ दे रखा है कि मैं आपसे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी जो नीचे दिए गए 6 सवाल हैं वो खुद से पूछें, ठीक है। खुद से जब आप अकेले बैठे हों, अपना बोलते हैं ना आत्म मंथन कर रहे हों, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हों, तो ये 6 सवाल खुद से पूछिए। पहला सवाल क्या है, कितना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चुना है या जिसे चुनने का आप सोच रहे हैं उसका सिलेबस कितना बड़ा है,
जी हाँ, सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस कम है तो बेटर रहता है, क्योंकि उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, और कम समय में ज़्यादा बार पढ़ने से क्या होता है कि वो उस पर आपकी होल्ड बहुत अच्छी बन जाती है, उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ज़्यादा बेटर तरीके से स्कोर कर पाते हैं मेन स्टेज पर। दूसरा है कि आपके पास कितना प्रिपरेशन का टाइम है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने आपका जीएस पेपर उतना अच्छा नहीं प्रिपेयर हो पा रहा, या फिर आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर को प्रिपेयर करने में। तो एट द सेम टाइम चूंकि ऑप्शनल का भी पेपर आपको प्रिपेयर करना होता है, तो अगर सपोज़ आपके पास समय है, अगर सपोज़ आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं पढ़ाई के, और आपके पास मोर देन सफिशेंट टाइम है कि आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं जिसका सिलेबस ज़्यादा हो लेकिन आपके लिए बहुत वो इंटरेस्टिंग हो। लेकिन अगर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है तो ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसमें के सिलेबस कम हो, ताकि बार बार पढ़ के आप उसको ज़्यादा अच्छे से कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए प्रिपरेशन टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने का। थर्ड है प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जी हाँ, जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर कोई सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा है और वही सब्जेक्ट दोबारा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिले, तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटर रहेगा कि आप उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी जो पकड़ है वो बेटर होती जाए, रादर देन बिल्कुल ही एक अननोन सब्जेक्ट को उठाने के जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ सकता है और हो सकता है कि उसमें आपको ज़्यादा फाइट भी करनी पड़े, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपकी महारत नहीं है, है ना। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाउ मच सिलेबस ओवरलैप्स इज देयर बिटवीन योर ऑप्शनल चॉइस एंड द जी एस पे पार्ट इन द प्रिलिम्स और मीन्स। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे टॉपिक्स को भी उठाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को भी उठाते हैं ना, जिनका जो सिलेबस होता है वो उनके जो मीन्स के ही जी एस पेपर वन और जी एस पेपर टू है उसके साथ ओवरलैप कर जाए, जैसे कि हिस्ट्री, जैसे कि जोग्राफी, जैसे कि पॉलिटी। ठीक है, तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है और ऑलरेडी पॉलिटी आपको जी एस पेपर में पढ़ना है, तो जो एक्स्ट्रा वक्त आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में लगाना होता वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, और एक बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेने से आपकी दोनों पेपर तैयार हो जाते हैं, जीएस पेपर वन का पॉलिटी सेक्शन तैयार हो जाता है और साथ में आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, आर द स्टडी मटेरियल एंड कोचिंग रेडिली अवेलेबल, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में आप चाहते हैं चुनना या जिसको आपने ऑप्ट किया चुनने के लिए, क्या उसका मटेरियल और कोचिंग अवेलेबल है? अगर है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो किस हद तक आप उसकी तैयारी खुद से कर सकते हैं, यानी किस हद तक आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है, क्या आपके अंदर इतनी इंटरेस्ट या रिक्विजिट ड्राइव है कि आप उस सब्जेक्ट को बीपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ें? वही चीज़ आ जाती है गर्लफ्रेंड वाली, कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही डीप डाउन जाकर भी पढ़ेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप उसको समझ सकें और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें, और अगर नहीं है तब तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बिना प्यार के तो कोई रिलेशनशिप टिक नहीं सकता, तो वैसे बिना इंटरेस्ट के कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोर नहीं करवा सकता आपको। तो बस यही छः पॉइंट जो हैं, छः क्वेश्चन हैं, वो अपने आप से आप पहले पूछें और उसके बाद अपने चॉइस को करें। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये पिछले स्लाइड में मैंने आपसे छः सवाल पूछे थे, और यहाँ पे मैं उन्हीं छः सवालों को एक संक्षेप में बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने उन छः सवालों को चुनने की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। तो वो छः जो क्राइटेरिया होते हैं, जो छः पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते हैं, पहला जैसा मैंने कहा था इंटरेस्ट और एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका उसी में ग्रेजुएशन या एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कोई सब्जेक्ट। दूसरा हो जाता है कोचिंग और स्टडी मटेरियल जो कि उस सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अगर मार्केट में ज़्यादा स्टडी मटेरियल है तो आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अगर कम मटेरियल है तो आप पूरी तरह खुद पर रिलाई करते हैं, खुद के नॉलेज पर और खुद की मेहनत पर रिलाई कर जाते हैं। थर्ड है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में कितना कंट्रीब्यूशन है, वही बात जो मैंने कहा था ओवरलैपिंग वाली। फोर्थ है द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द रीसेंट पास्ट। जी हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं हम जनरल लैंग्वेज में ट्रेंड। ठीक है, जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आप जो जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना, वो एक कॉम्पिटिशन है। ठीक, एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जहाँ पर हर कैंडिडेट जो बैठा है वो आपसे बेटर साबित करने के लिए बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट को चुनते हैं ना, उसमें आपको अपनी नॉलेज नहीं प्रूफ करनी होती, उसमें आपको अपनी नॉलेज के साथ साथ नंबर भी लाने होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ इंटरेस्ट काम नहीं आता, मैंने जैसा कहा कि इंटरेस्ट अपनी जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करके दे सकता है मेन्स एग्जाम में।
अगर वो नहीं दे सकता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट करने का, चाहे आप लाख इंटरेस्ट उसमें हो आपको। तो इसी वजह से कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके इंटरेस्ट आपके जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है कि रिसेंट ईयर्स में उस सब्जेक्ट में कितनी मार्किंग जा रही है, ताकि आप अगर उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें तो आपको भी एटलीस्ट एक अच्छा मार्क्स उस सब्जेक्ट में मिल पाए। और लास्ट है टाइम मैनेजमेंट, वही बात है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप कोई बड़ा या वास्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट उठा सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोशिश कीजिए कि कम सिलेबस वाला, छोटे सिलेबस वाला सिंपल सब्जेक्ट उठाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जनरली बीपीएससी में जब मैं यूपीएससी की एक्चुअली तैयारी कर रही थी, जैसा मैं हर बार आप सभी को बताती हूँ कि बीपीएससी मेरा फर्स्ट टारगेट नहीं था जैसा कि ज़्यादातर लोगों का होता है। तो यूपीएससी जब मैंने टारगेट करा था तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी वो यही थी कि आखिर मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनूँ। तो उस वक्त मुझे एक मेरे गाइड थे, एक मेंटोर कह सकते हैं, ही वाज सीनियर, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी सी बात बताई थी कि जब भी आप सब्जेक्ट चुनने लगते हैं ना तो अपने खुद के स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। तो आपका अगर खुद का स्ट्रेंथ उस सब्जेक्ट में रहेगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट भी आता है और इच्छा भी होती है कि आप उसको बार बार पढ़ें। तो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं अपने जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है और जो मेरी सोच है, जो मैं सोसाइटल सोशल इश्यूज़ पे बहुत ही अच्छे चीज़ें लिख पाती हूँ, चूँकि मैं कॉलेज टाइम से ही अपने स्कूल मैगजीन्स में और कॉलेज मैगजीन्स में लिखती आई हूँ। स्कूल में भी मुझे डिबेट्स में और राइटिंग जो कॉम्पिटिशन्स थे उस पर हमेशा फ़र्स्ट प्राइज़ या सेकेंड प्राइज़ मिलता था। तो मुझे ये मालूम था कि सोसाइटल इशूज़ या जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना जो एम्पावरिंग इशूज़ हैं उस पर मैं बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ऐसा सब्जेक्ट उठाया दैट वाज सोशियोलॉजी, जिसमें मेरा ये टैलेंट काम आ जाए, और साथ ही में मेरे पास उस वक्त समय कम था तो इसी वजह से एक छोटे सिलेबस का एक अच्छा सब्जेक्ट मेरे लिए सोशियोलॉजी था, एंड दैट्स व्हाई आई चोज सोशियोलॉजी। और मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से तैयार किया था। उसी तरीके से जो बाकी के 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट ट्रेंड जिसमें मार्क्स आते हैं या जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को, उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया है। लेकिन ये जो 10 के 10 सब्जेक्ट हैं इनका कोई रैंकिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री नंबर 1 है और एंथ्रोपोलॉजी नंबर 10 है। ये सारे जो 10 सब्जेक्ट्स हैं वो रैंडमली सॉर्ट आउट किए गए हैं, जिनमें से आप चाहें तो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, जो कि बहुत ही एक पॉपुलर सब्जेक्ट है अमंगस्ट द बीपीएससी एस्पायरेंट्स। ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसलिए भी हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं क्योंकि बेसिक जो नॉलेज होती है हिस्ट्री की वो हर किसी को अपने स्कूल टाइम से होती ही है, और उसके अलावा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन जाता है, बिकॉज जो इसके एस्पिरेंट्स हैं वो जो कॉन्सेप्ट्स है उसको फैक्ट के साथ आराम से लिंक कर पाते हैं। और चूंकि ये जीएस का भी एक पार्ट है तो जाहिर सी बात है ये मेहनत भी इसमें कम लगती है, समय भी कम लगता है और बेनिफिट ज़्यादा है। सेकेंड है हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर। जी हाँ, जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं ये भी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं, चूँकि जो हिंदी लिटरेचर है उसका जो सिलेबस है ये बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही स्टैटिक है। तो इसी वजह से जब हिंदी लिटरेचर की तैयारी करते हैं तो बहुत ही फन तरीके से आप तैयारी करते हैं और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। साथ ही में इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट नहीं करते, यानी कि जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर को, जिस वजह से आपके लिए इसमें बेटर अगर आप मीडियम भी परफॉर्म करते हैं तो भी आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, जिसे हम LSW भी कहते हैं। यह भी एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है, एक जिसका बहुत ही छोटा और बहुत ही डेफिनेट सिलेबस होता है इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन। इसमें बहुत ही, चूँकि ये छोटा सिलेबस है तो ऑब्वियसली इसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम लगता है कम्पेयर टू द अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और इसके जो नोट्स हैं खासकर बीपीएससी के लिए ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे बिना कोचिंग के इसको सेल्फ स्टडी से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये तो यूपीएससी के लिए भी बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, चूँकि इसका काफ़ी सिलेबस पॉलिटी से ओवरलैप करता है, और इसको आराम से अगर आप चाहें तो 6 महीने या 7 महीने के ड्यूरेशन में पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं, चूँकि छोटा और डेफिनेट सिलेबस होता है, और इसके लिए भी कोई स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती चूँकि ऑलरेडी ये पॉलिटी का पार्ट होता है, तो इसे भी सेल्फ स्टडी के साथ तैयार किया जा सकता है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी मैं देखी हूँ कि ज्योग्राफी जो होता है एक बहुत ही एक डेफिनेट सिलेबस का होता है, और जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो बिल्कुल सिलेबस के अंदर से पूछे जाते हैं, इसी वजह से ज्योग्राफी काफ़ी पॉपुलर है कैंडिडेट्स के के अमंगस्ट। साथ ही में इसकी एक बहुत अच्छी पॉइंट ये है कि खासकर जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे इंजीनियरिंग से, जैसे कि मैं भी थी,
तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे काफ़ी हद तक ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं, चूँकि इसमें ज़्यादा आपको रटना नहीं पड़ता, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपके अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी है, तो काफ़ी हद तक ज्योग्राफी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होती है। तो जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, ज्योग्राफी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। साथ ही में ज्योग्राफी को आप करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो उससे भी आप ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बस आपके करंट अफेयर्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और मैपिंग की मदद से सॉल्व हो जाती है, और इसी वजह से एक तरह का सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट कहा जाता है, जो कि मोस्टली पॉपुलर हो जाता है जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, अगला है मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर। मैथिली लैंग्वेज और लिटरेचर भी बहुत बच्चे इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत कम होता है, सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत इजी होता है, इसके जो ये हैं आपके स्टडी मटेरियल है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और काफ़ी हद तक अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। ऑफकोर्स ये मेरा सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो मैं गलत बोल भी नहीं सकती क्योंकि इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। तो सोशियोलॉजी भी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है समझने के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको सोसाइटी के बारे में या सोसाइटल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है तो ये भी सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़े। ये खासकर ये जो सब्जेक्ट है ना, इस ये ह्यूमैनिटी सोसाइटी के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत करती है, तो इसी वजह से अगर कम सिलेबस में बेटर अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी जो आपकी लेखन शैली है, अगर आपकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो आप सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ज़्यादातर अगेन मैंने जैसा कहा कि ऑप्शनल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ऑप्ट करते हैं। द रीज़न बीइंग कि मैथमेटिक्स जो होता है ये एक बहुत ही हद तक जिसे बोलते हैं ना, ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें ना कोई कहानी नहीं होती, कोई रैंडम थाट्स नहीं होते। मैथ्स में अगर कोई फॉर्मूला है और कोई सोल्यूशन है तो वो उसी तरीके से बनेगा, तो इसी वजह से इसमें जो एक शब्द हम अक्सर इंग्लिश में यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि हर इंसान का अपना सोच नहीं होगा आपके आंसर के प्रति। जो भी इंसान उसको चेक करेगा और जो भी इंसान उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उस दोनों को एक ही या दो ही मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आते होंगे। तो इसी वजह से मैथमेटिक्स में अगर आपका आंसर सही हो जाता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है मैथमेटिक्स काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फिलॉसफी। रिसेंट डेज में ये पाया गया है कि फिलॉसफी हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर सब्जेक्ट्स। द रीज़न बीइंग कि फिलॉसफी का सिलेबस बहुत कम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो जैसा मैंने कहा जिसकी लेखन शैली अच्छी है, जिसकी लिखने की जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो लोग फिलॉसफी को ऑप्ट करते हैं। लास्ट और नॉट द लीस्ट है डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को भी रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने एंथ्रोपोलॉजी से भी बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी छोटा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये भी एक तरह का साइंस का ही सब्जेक्ट है, सेमी साइंटिफिक एक्चुअली हम कह सकते हैं। तो ये साइंस बैकग्राउंड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके बीच में ये काफ़ी पॉपुलर होता है। यूपीएससी के भी जो कैंडिडेट्स आईएफएस के लिए अपीयर करते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, वो भी काफ़ी हद तक एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, तो इसी वजह से वो ओवरलैप भी करता है यूपीएससी सिलेबस के साथ। और एंथ्रोपोलॉजी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके डायग्राम आपको बनाने आते हैं तो बहुत सारी जो आप थ्योरी और फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप डायग्राम की मदद से भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ये 10 वो सब्जेक्ट्स हुए जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय है। तो इस तरह से मैंने अपनी पर्सपेक्टिव आप सभी को बताई कि किस तरीके से आप एक अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। बट एज जैसा कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो में ये कहा है कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी और आपके पढ़ाई करने की लगन पर डिपेंड करता है कि आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी वजह से सब्जेक्ट को चुनने से पहले आप खुद से सवाल करें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो किसी सब्जेक्ट में आप बेटर स्कोर कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर कैंडिडेट। और याद रखिएगा हमेशा कि ये आपके नॉलेज के साथ साथ आपके स्मार्टनेस का भी टेस्ट होता है, यानी कि कितने स्मार्टली आप उस सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट टॉप किया, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सोशियोलॉजी में ही ग्रेजुएशन किया है तो ऑब्वियसली मुझे अपने आप को उससे बेटर बनाना है। तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना लगन होना चाहिए कि मैं सोशियोलॉजी को उतनी ही अच्छे से पढ़ूं जितना कि एक इंसान जिसने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है वो अच्छे से पढ़ सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका कंपटीशन अलग अलग स्ट्रीम के लोगों से होगा,
तो इसीलिए जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपको बिल्कुल उसको दिल से लगा लेना चाहिए, उसको बिल्कुल अपने बोलते हैं ना अपनी अपने जिगर की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि आप उसमें बेटर से बेटर स्कोर कर सकें, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू में ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट के थोड़े ऊपर नीचे नंबर आते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर जाएंगे तो मोस्ट डेफिनेटली आप बाकी कैंडिडेट से मेरिट रैंकिंग में बहुत आगे हो जाएंगे। तो यहाँ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मिला ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।